कला नाम की जो कन्या है उनका विवाह मरीची के ऋषि के साथ किया, अनुसुईया का विवाह अत्री के साथ में किया, श्रद्धा का विवाह अंगिरा के साथ में किया, अभिप्रेत का विवाह पुलस्त के साथ में किया, उलहा का विवाह गति के साथ में किया, क्रतु का विवाह प्रिया के साथ में किया, रिपुजी का विवाह खाकी के साथ में किया और वशिष्ठ जी का विवाह अरुंध की के साथ। नौ कन्याएं हैं और ये नौ ऋषि ब्रह्मा जी के उनका विवाह सबको पिता की है। सामान्य पुत्रियां नहीं है, बड़े बड़े तपस्वी है ये सब, और ऋषि की दामाद की कोई सामान्य नहीं, बड़े बड़े वशिष्ठ जैसे जिनके दामाद सबको विदा दिया। ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करके चले गए। अब यहाँ कदम जी महाराज भी भगवान को प्रणाम करके और देवभूति माता से आज्ञा लेकर के चले गए। दोनों बचे भगवान और माता देवभूति। देवभूति माता ने भगवान की शरणागति स्वीकार किया और देवभूति माता ने भगवान से प्रश्न किए, हे भगवान निर्वेणा निदराम भूमन सदिन्द्रियतर्षणा तेन संभाव्यमानेन प्रपन्नां हम तमाप्रभुते। मैया कह रही है कि भगवान इन इंद्रियों की लालसाओं को तृप्त करते 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 मैं घोर अंधकार में डूब गई, इन इंद्रियों की लालसाओं से डूब गई हूँ, लेकिन मेरी इंद्रियां अभी तृप्त नहीं हुई हैं और मैं घोर अंधकार में हे भगवान अपने ज्ञान रूपी कुठार से मेरे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। मेरी स्थिति ये है कि एक के पांच पत्नियां हैं और पांचों अपनी अपनी ओर उसको खींच रही हो, ऐसी मेरी इंद्रियों की स्थिति है, अपनी अपनी ओर मुझे खींचती जा रही है, नेत्र अपनी ओर, कान अपनी ओर, नासा अपनी ओर, जीवा अपनी ओर, सब अपनी अपनी ओर खींच रही है। मेरी स्थिति ऐसी है, आप कृपा करिए, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान ने कहा मैया जीव के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन है आध्यात्म योग। आध्यात्म योग ही जीव के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन है, इसलिए मैया आध्यात्म का आश्रय ले। और मैया बंधन और मोक्ष का जो कारण है वो है मन। बंधन और मोक्ष का कारण है मन, मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष है। मैया मन से मान ले तो बंधन और मन से नहीं माना तो मोक्ष, यही तो है। अरे भाई हमने पंडित जी को अपना माना, हमने पंडित जी को अपना माना, ये क्या है, यही तो बंधन है, और हमने मन से नहीं माना तो ये क्या है, मोक्ष ही तो है। अरे भाई सात समुद्र पार वाला प्यारा लगता है, सात समुद्र पार वाला प्यारा लगता है, क्यों, क्योंकि उसको मन से अपना मान लिया इसलिए प्यारा लगता है, और घर वाला बहुत बुरा लगता है, क्यों, क्योंकि उसको मन से नहीं माना। महाराज जी एक ही कमरे में रहते, एक साथ रहते, दो साल हो गए इनसे बात सकते के नहीं, ये क्या है, ये मन से नहीं माना इसलिए, इसलिए बंधन और मोक्ष का कारण मन है, मन से मान लिया तो मेरा मन से नहीं माना तो नहीं, इसलिए भैया मन ही बंधन मोक्ष का कारण है, और भैया इसलिए अपने मन को लगा दे मनमोहन में। भैया ने कह लिया कि मनमोहन में मन को कैसे लगाऊं, तो भगवान ने कहा भैया जा पहले संतों का संग, मन लगाने के लिए संतों के पास, संतों का संग, क्योंकि अगर हमारा मन जो कुछ भी भगवान में लगा है वह किसी ना किसी सत महापुरुष के सत्संग के द्वारा ही हमारा मन भगवान में लगता है, इसलिए मैया भगवान कह रहे हैं जा पहले मैया संतों का संग कर। मैया ने कह दिया संत कैसे होते हैं अब ये बताओ आप, पहले लाल कपड़ा वाले मानूं कि पीले कपड़ा वाले मानूं कि सफेद कपड़ा वाले मानूं कि सफेद दाढ़ी वाले को मानूं या काली दाढ़ी वाले को मानूं, कि जो भद्र है जिसके दाढ़ी पूंछ नहीं है उसको मानूं, मैं संत मानूं किसको, होते कैसे हैं, लाल कपड़ा वाले, पीले कपड़ा वाले, सफेद कपड़ा वाले कि काला कपड़ा वाले, संत कौन है, तो भगवान कह रहे हैं तितिक्षवः कारुणिकः
होते हैं, करुणावान होते हैं, सुहृद होते हैं, अजात शत्रु होते हैं, शांत होते हैं। ये साधुओं के मैया लक्षण है। ये लक्षण दिखे तब तो साधु, और ये लक्षण ना दिखे तो लाल कपड़ा वाले आ गए तो बोले हैं प्रणाम करो, राम राम, बाबा जी ठीक है, लेकर चुपकी आटा चलो, इतना है। तिरस्कार नहीं, तिरस्कार नहीं। और हम आपको बताएं सच्चा लक्षण, आपको हम अपने विचार से बता रहे हैं, पर इसमें किसी को ठोकते नहीं है। हमारा तो ये है जिसको जितना जानो, जिसके बारे में जितना जानो, कौन है ये, क्या है ये, क्या भजन है, क्या साधन है, क्या कुल है, क्या खानदान है, कैसे माता पिता, जितना उसको जानो महात्मा को, और उसमें उतनी आसक्ति होती चली जाए और जानने की इच्छा होने लग जाए तो समझ लो पक्का है। और जितना जानो उतना दूरी बनाने की इच्छा हो जाए तो समझ लो कच्चा है, उससे दूरी ही बनाना चाहिए। जितना जानो उतनी और आसक्ति होती चली जाए, और जानने की इच्छा, और जानने की इच्छा, और जानने की इच्छा हो जाए। और जहां बैठने के बाद शरीर और संसार की विस्मृति हो जाए, भूल जाए, और उनके बातों को श्रवण करके उनके पास बैठ, कुछ नहीं कहे तो भी उनके पास बैठने से आत्मा संतुष्ट हो, मन प्रसन्न हो, तो समझ लो पक्का। और जहां पर बैठने के बाद भी विषय भोग का चिंतन हो, आखिर कुछ और, मन कुछ और, जीवा कुछ और, तो समझ लो कच्चा भी ठीक नहीं है, इससे तो दूरी बना कर नहीं रहना चाहिए। और भक्तवत्सल भगवान की, इसलिए संतों का संग कर, और आज तो यही पर सत्र का विश्राम करेंगे हम सब, क्योंकि 7:30 बज रहा है। इसलिए आज का रात्रि संतों के संग में, सच्ची बताएं हम आपको, अच्छा आप बताओ अपने मन की, बताओ सब छोड़ो हमारे क्या हमारी मानव की, बताओ अपने मन की, बताओ किसी सिद्ध कोटि के महापुरुष का आपको स्वप्न में दर्शन कभी हुआ हो, हुआ हो तो आपको प्रातः काल कैसा लगता है? बड़े उच्च कोट के महापुरुषों का, अरे जिनका कभी नाम नहीं सुना हो, सूरदास, कबीरदास, रहीमदास, रैदास, नानक देव जी, चंद्रदेव जी, कभी किसी महापुरुषों का कभी दर्शन हुआ हो मन में किसी, अरे दर्शन थोड़ा सा ही सही, मन कैसा होता है, मन प्रसन्न हो जाता है, हाँ आज पता नहीं क्या हुआ भैया, सुबह से ही आनंद ही आनंद है। इन संतों का दर्शन हो जाए, अरे प्रत्यक्ष में हो चाहे ना हो, लेकिन सही सही बताना, जब तो हम महापुरुष मानते उनका दर्शन स्वप्न में भी हो जाता है तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, आह्लादित हो जाते हैं। इसलिए अपने मन को सदा सर्वदा किसी सत महापुरुष के आश्रय में रखना चाहिए। हमारे जीवन में जो सत महापुरुष है उनका आश्रय लेकर के रहो, बस चकाचक हो जाएगा, सब आनंद हो जाएगा, और आसक्ति संसार में करोगे तो सारे बंधन हो जाए, लेकिन किसी सत महापुरुष में आसक्ति होगी तो मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, हमारे सारे साधन सिद्ध हो जाएंगे। बोलो संत भगवान की, संतन के संग लागे
सुल्तान ठाकुर जी का जन्मोत्सव का आनंद भी है, तो आप सब लोग समय से पधारेंगे तो भगवान माता जी के उत्सव में प्रवेश करेंगे।